हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी। आज आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर का एक टॉपिक मलेरिया डिस्कस करेंगे। मलेरिया आप सभी लोग जानते होंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, है ना। फीमेल एना फ्लीज प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में मलेरिया को डिस्कस करूंगा। ओके, मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम इज ए डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज ए डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट। प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है। डायजेनेटिक ना, डायजेनेटिक मतलब होता है इसके दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज है। एनाफ्लीज मॉस्किटो है। मैंने यहां पे आपसे कहा कि सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज है ना, मेल नहीं कहा, है ना। देखिए फीमेल एनाफ्लीज सेंगिवोरस भी है, वो ह्यूमन का ब्लड सक करने आती है, लेकिन वो हमारा पैरासाइट नहीं है, क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज ब्रीडिंग सीजन में एग प्रोटीन के लिए, एग प्रोटीन के लिए हमारा ब्लड सक करती है और उस ब्लड से, हमारे ब्लड से वो एग प्रोटीन को ऑब्टेन करती है। तो फीमेल एनाफ्लीज वो पैरासाइट नहीं है, वो सिर्फ एग प्रोटीन के लिए हमारा ब्लड सक करती है, वो उसका न्यूट्रिशन नहीं है। मतलब फीमेल एनाफ्लीज न्यूट्रिशन के बेस पर हमारा पैरासाइट नहीं है, वो एग प्रोटीन के लिए हमारा ब्लड सक करती है। ये एक अलग टॉपिक था, मैंने थोड़ा यहां पर डिस्कस कर लिया। देखिए मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द प्रोटोजोन्स। प्लाज्मोडियम स्पीशीज कौन कौन सी हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेराई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम लीथल होता है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कैसा है? लीथल है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से डेथ होती है। इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉमन है। तो हम डिस्कस करते हैं मलेरिया। देखिए मलेरिया की लेटर मीनिंग क्या है? बैड एयर। मलेरिया की लेटर मीनिंग है बैड एयर। ठीक है, मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। वेक्टर है फीमेल एनाफ्लीज। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज। इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ह्यूमन बीइंग में और सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है फीमेल एनाफ्लीज में। फीमेल एनाफ्लीज के सेलेबरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट रहते हैं। स्पोरोजाइट ह्यूमन बीइंग के लिए इन्फेक्टिव है। तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन बीइंग के लिए स्पोरोजाइट है। जब फीमेल एनाफ्लीज ह्यूमन को बाइट करती है तो उस समय वो अपने सलाइवा के साथ स्पोरोजाइट को ह्यूमन के ब्लड में रिलीज कर देती है। यहां पर आप देखें ये फीमेल एनाफ्लीज है, जैसी मैंने रफ डायग्राम बना दिया है जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये कौन है? फीमेल एनाफ्लीज। ये सेकेंडरी होस्ट है। ये फीमेल एनाफ्लीज का माउथ है और ये इसका
एंटीना है। ये मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया समझाने के लिए आपको। ये ह्यूमन बॉडी की स्किन है, ह्यूमन बॉडी है ना। देखिए इसने ब्लड को सक किया, ये ब्लड जा रहा है इसमें और ये वहां से सलाइवा छोड़ रही है। इस सलाइवा के साथ इसमें इस पूरे उतर जाएगा। प्लीज समझिए, फीमेल एनोफ्लीज है ना, फीमेल एनोफ्लीज कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्पोरोजाइट का फर्दर डेवलपमेंट कोल्ड ब्लड एनिमल में नहीं होता है, इसको वार्म ब्लड एनिमल की जरूरत होती है। तो फीमेल एनोफ्लीज जब ह्यूमन को बाइट करती है तब ह्यूमन से ब्लड है ना फीमेल एनोफ्लीज के प्रोबोसिस में जाता है। मैंने दिखा दी ब्लड जा रहा है इधर से और वो अपना सलाइवा छोड़ती है। ये क्या है, इसका सलाइवा है। इस सलाइवा में स्पोरोजाइट है, इस सलाइवा में क्या है, स्पोरोजाइट। ये इसका स्पोरोजाइट, ठीक है। स्पोरोजाइट ह्यूमन ब्लड में आ गया, ये इंटर कर गया ह्यूमन ब्लड में और ह्यूमन ब्लड से ये चले जाते हैं लीवर में और लीवर पहुंचकर शुरू करते हैं ये लीवर शायद गोनी। देखिए ये लीवर मैंने बनाया, ये लीवर में आ गए, ये लीवर में, ठीक है। देखिए स्पोरोजाइट, देखिए स्पोरोजाइट लीवर में माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। स्पोरोजाइट ब्लड में आए थे, ब्लड से लीवर में माइग्रेट कर गए। अभी शुरू करते हैं यहां पर लीवर शाइजो गोनी। लीवर शाइजो गोनी है ना तीन तरह की है, प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजो गोनी, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजो गोनी और पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक शाइजो गोनी। तो स्पोरोजाइट लीवर में एंटर करते हैं और प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजो गोनी को है ना शाइजोगोनी को स्टार्ट करते हैं। स्पोरोजाइट लीवर में आ गए, लीवर में आने के बाद ये क्रिप्टोजाइट बदल जाते हैं, ठीक है। और फिर यहां से पी डिवाइड कर बनाते हैं क्रिप्टोमेरोजाइट जो लीवर सेल से बाहर आते हैं, ठीक है। स्पोरोजाइट लीवर सेल में एंटर करते हैं, ये लीवर है, ठीक है। और क्रिप्टोजाइट किस गए, क्रिप्टोमेरोजाइट में क्रिप्टोजाइट अंदर गए, स्पोरोजाइट डेवलप टू क्रिप्टोजाइट और क्रिप्टोजाइट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसमें जाते हैं क्रिप्टोमेरोजाइट। तो ये हो गए क्रिप्टोमेरोजाइट, ठीक है। क्रिप्टोमेरोजाइट दोबारा लीवर सेल में एंटर करते हैं, ठीक है। देखिए क्रिप्टोमेरोजाइट दोबारा लीवर सेल में एंटर करते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, क्रिप्टोमेरोजाइट। यह है लीवर सेल। अभी शुरू करते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी, ठीक है। क्रिप्टोमेरोजाइट लीवर सेल पहुंचकर मेटाक्रिप्टोजाइट बनाते हैं, लीवर सेल पहुंचकर ये डेवलप हो जाते हैं मेटा क्रिप्टोजाइट में और मेटाक्रिप्टोजाइट बनाते हैं दो तरह के क्रिप्टोमेरोजाइट है ना। ये दो तरह के क्रिप्टोमेरोजाइट बनाते हैं जो लीवर सेल से बाहर निकलकर आ जाते हैं।
लेकिन दो तरह की बन गई। इसमें से एक है मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरो जॉइट्स और दूसरे हैं माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरो सॉइट्स। ठीक है, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजाइट्स दोबारा से लीवर सेल पे अटैक करते हैं और शुरू करेंगे पोस्ट इरेथ्रोसिटिक शेल हार्मोनी। अब माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजाइट्स है ना, ये इंटर करते हैं आरबीसी में और शुरू करते हैं आरबीसी शाइजोगोनी। देखिए आरबीसी है, इस आरबीसी में माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजाइट इंटर कर देते हैं। ठीक है, आरबीसी में इंटर करने के बाद माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजाइट्स डेवलप हो जाते हैं प्रोफोजाइट्स में। प्रोफोजाइट्स हीमोग्लोबिन को फीड करते हैं, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं और हीम डाइजेस्ट नहीं होती है और हीम इनमें स्टोर हो जाती है एज ए हीमोजोइन ग्रैनुल्स। हीमोजोइन ग्रैनुल्स इनको मेलानिन पिगमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, हीमोजोइन ग्रैनुल्स, ठीक है, या शफल ग्रैनुल्स भी कहते हैं। आरबीसी के अंदर ट्रोफोजाइट से डेवलप होता है शाइजोन। देखिए शाइजोन डेवलप हो गया, शाइजोन का न्यूक्लियस डिवाइड करके बनाता है शाइजोइड्स, इसमें शाइजोइड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये शाइजोइड्स बन गए, अभी मैंने डायग्राम बनाते मैं आपको समझाया है ना। देखिए क्वेश्चन दो तरह से आता है कि मलेरिया, मलेरिया के कंसर्न में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम की ए सेक्सोसाइकिल स्टेज का डिस्क्रिप्शन करें, या फिर आता है प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज का डिस्क्रिप्शन करें। ठीक है, तो मैंने मलेरिया की लाइफ साइकिल को शॉर्ट में आपको समझाया है, मैं एक बार फिर समझाता हूं आप समझिए। देखिए मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, है ना। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज चार हैं, प्लाज्मोडियम ओवे, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज और फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन को बाइट करता है, अपने न्यूट्रिशन के बाइट नहीं करता, वो अपनी एग प्रोटीन के बाइट करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज की सलाइवरी ग्लैंड में, अब इधर देखें, फीमेल एनोफिलीज की सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट रहते हैं। जब फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन को बाइट करती है, ह्यूमन कैसा है, वार्म ब्लडेड, है ना, वार्म ब्लडेड होस्ट है। तो देखिए ह्यूमन की स्किन से ये ब्लड वॉक जा रहा है फीमेल एनोफिलीज के माउथ पार्ट्स में और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आ रहा है। इस सलाइवा के साथ क्या है, स्पोरोजाइट है। सलाइवा के साथ क्या है, स्पोरोजाइट। ये स्पोरोजाइट ह्यूमन के ब्लड से, है ना, कहां पहुंच जाता है, लीवर में। नाउ स्पोरोजाइट माइग्रेट टू द लीवर और लीवर पहुंच शुरू करता है लीवर शाइजोगोनी। ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लीवर शाइजोगोनी की पहली स्टेप है प्री इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। स्पोरोजाइट लीवर सेल में एंटर करने के बाद क्रिप्टोजाइट में मेटामॉर्फोस कर जाते हैं। क्रिप्टोजाइट्स, है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा डिवाइड करके क्रिप्टोमीरोजाइट्स बनाते हैं। लीवर सेल से बाहर क्रिप्टोमीरोजाइट्स आ जाते हैं। ये फ्री क्रिप्टोमीरोजाइट्स दोबारा से लीवर सेल पे अटैक करते हैं और शुरू करते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटोगोनी।
क्रिप्टोमेटोसाइट्स लीवर सेल पहुंचने के बाद बनाते हैं मेटाक्रिप्टोसाइट्स। मेटाक्रिप्टोसाइट्स इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और दो तरह के मेटाक्रिप्टोमेटोसाइट्स बनते हैं, एक बनते हैं माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेटोसाइट्स और एक बनते हैं मैक्रोमेटाक्रिप्टोमेटोसाइट्स। मैक्रोमेटाक्रिप्टोमेटोसाइट्स वापस लीवर सेल में चले गए और जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेटोसाइट्स है ना इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है ना, और ये आरबीसी पर अटैक करते हैं और शुरू करते हैं आरबीसी शाइजोकोनी। ये आरबीसी के अंदर देखिए माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेटोसाइट आरबीसी के अंदर चला गया। आरबीसी में अंदर जाने के बाद ये डेवलप हो जाता है ट्रोफोसाइट्स में। ट्रोफोसाइट स्टेज होती है फीडिंग स्टेज है ना, तो ये हीमोग्लोबिन को फीड करते हैं। हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो जाती है लेकिन हीम हीमोजेनिक ग्रैनुल्स के रूप में बॉडी आरबीसी में एक्युमुलेट रहती है। प्रोफोसाइट बदल गया साइजोंट में, साइजोंट्स में डिवीजन होता है और साइजोइड्स बन जाते हैं। साइजोंट एडल्ट स्टेज होती है और साइजोंट्स में साइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये साइजोइड्स बन गए। ठीक, आरबीसी में येलो कलर के ग्रैनुल्स दिखाई देने लगते हैं जिनको कहते हैं हीमोजेनिक ग्रैनुल्स हैं, यानी शफनर ग्रैनुल्स भी बोलते हैं। आरबीसी लाइसोलेसाइकिन एंजाइम द्वारा रैप्चर कर जाती है। आरबीसी रैप्चर बाय द एक्शन ऑफ लाइसोलेसाइकिन एंजाइम, और आरबीसी रैप्चर करने पर साइजोंट भी रैप्चर कर जाते हैं और साइजोइड्स फ्री हो जाते हैं। ये साइजोइड्स वापस आरबीसी पे अटैक कर सकते हैं, ये साइजोइड दोबारा से लीवर सेल पे जा सकते हैं, ये साइजोइड्स माइक्रो मैक्रोगेमेटोसाइट में चेंज हो गए। ठीक है, इसमें लग गए माइक्रो और मैक्रोगेमेटोसाइट्स में। जब आरबीसी रैप्चर करती है तो उनसे टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है ना, उस टॉक्सिक सब्सटेंस से ना शिवरिंग होती है, बाद में फीवर आता है, इसे कहते हैं मलेरिया। ठीक है, माइक्रोगेमेटोसाइट और मैक्रोगेमेटोसाइट ह्यूमन के ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। इनका फर्दर डेवलपमेंट होगा फीमेल एनाफिलीज में, मतलब इनके डेवलपमेंट के लिए अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल की जरूरत है जो कि फीमेल एनाफिलीज है, मींस सेकेंडरी होस्ट। फीमेल एनाफिलीज जब ह्यूमन को बाइट करती है ना, इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करती है तो माइक्रो मैक्रोगेमेटोसाइट है ना ब्लड के साथ कहां पहुंच जाते हैं, फीमेल एनाफिलीज की एलिमेंट्री कैनाल में। माइक्रोगेमेटोसाइट्स माइक्रोगेमेटोसाइट्स डिवाइड करके मियोसिस और माइटोसिस द्वारा स्पर्म बनाता है और मैक्रोगेमेटोसाइट्स रिडक्शन डिवीजन द्वारा डिवाइड करके एक्सल बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, इनके जायगोट मोटाइल होते हैं इसलिए उन्हें हम वर्मीक्यूल कहते हैं। अब वर्मीक्यूल स्टमक की ल्यूमेन में है ना, स्टमक की ल्यूमेन से स्टमक की वॉल में चले जाते हैं। वर्मीक्यूल स्टमक की ल्यूमेन से स्टमक की वॉल में जाते हैं और वहां जाने के बाद वो बनाते हैं है ना स्पोरोसिस्ट। इन स्पोरोसिस्ट को हम ओसिस्ट भी कहते हैं और इनको हम स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें स्पोरोजाइट का फॉर्मेशन होता है इसलिए मैंने स्पोरोब्लास्ट पे नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या बन गए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा स्पोरोजाइट्स। ये स्पोरोजाइट्स है ना, ये स्पोरोजाइट होते हैं है ना ओसिस्ट के रैप्चर करने पर फ्री हो जाते हैं और स्पोरोजाइट्स है ना स्टमक की वॉल पेनिट्रेट करके हीमोसील में जाते हैं और हीमोसील से माइग्रेट कर जाते हैं ये सेलिवरी ग्लैंड को और ये फिर वेट करते हैं कि फीमेल एनाफिलीज ह्यूमन को बाइट करे और ये नेक्स्ट साइकिल शुरू करे। ठीक है, यू गई मलेरिया पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है कुनैन मेडिसिन से, कुनैन ड्रग से, और कुनैन ड्रग को हम ऑब्टेन करते हैं सिंकोना प्लांट की बाग से। कुनैन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट। मलेरिया भी आपने हमने डिस्कस किया, अब नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं एस्केरियसिस। एस्केरियसिस एस्केरियसिस का पैथोजन होता है एस्केरिस लुम्बरिकॉइडस। एस्केरिस लुम्बरिकॉइडस एस्केरिस मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। एस्केरिस मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। एस्केरिस को राउंड वॉर्म भी कहते हैं। एस्केरिस ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। एस्केरिस ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक है ना, कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक के द्वारा इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, एस्केरिस यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, एस्केरिसिस के सिम्टम्स हैं है ना, एस्केरिसिस सिम्टम्स हैं मस्कुलर पेन। एस्केरिसिस के सिम्टम्स क्या है, मस्कुलर
पेन, फीवर है, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, कभी कभी इंटरनल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन या मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। एस्केरिस के लार्वा का नाम क्या होता है? रेपिटी फॉर्म लार्वा। देखिए एस्केरिस है ना हेलमिंथ्स है, देखिए एस्केरिस कैसा है, हेलमिंथ है ना। अब जब मैं देखिए एस्केरिस का डायग्राम बनाता हूँ, देखिए एस्केरिस से फीमेल एस्केरिस का पिछला सिरा जो है वो मुड़ा हुआ नहीं होता है, वो सीधा होता है ना। ये फीमेल एस्केरिस में बना है, ये हो गया फीमेल एस्केरिस है ना। एस्केरिस डिजीज कौन सी है? एस्केरियसिस। मेल एस्केरिस होता है, देखिए उनका पिछला सिरा ऐसे हुक की तरह मुड़ा होता है, ठीक है, ये हो गया मेल एस्केरिस। तो मेल एस्केरिस में पीनियन सीटी भी होते हैं, ठीक है, और एंटीएंट क्या होता है, स्क्यूटरी पोर होता है। एस्केरिस से डिजीज कौन सी थी? एस्केरियसिस। एस्केरिसिस कौन सी है? एस्केरिसिस। एस्केरिसिस कॉज बाय द एस्केरिस लुम्बरी क्वाइटस। एस्केरिस यूनिसेक्सुअल होता है, ये फीमेल एस्केरिस है, ये मेल एस्केरिस है। मेल एस्केरिस का पिछला सिरा कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है, ये मेल एस्केरिस है, ठीक है, इसका पिछला सिरा मुड़ा होता है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ये इसका कौन सा हो गया? पोस्टीरियर एंड, और ये इसका हो गया एंटीरियर एंड, ठीक है, और ये इसका है स्क्रिप्टी, ठीक है। एस्केरिसिस इज कॉज्ड बाय द एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस क्या रहते हैं? ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसका मोडल इन्फेक्शन क्या है? कॉन्टिमिनेट फूड और ड्रिंक। सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन है, एनेमिया है, फीवर है, वीकनेस है, और कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, वाउचीरिया है ना। वाउचीरिया से डिजीज होती है फाइलेरियसिस, तो एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस है ना। अगली डिजीज का नाम क्या है? फाइलेरियसिस, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। देखिए एलिफेंटेसिस का पैथोजन नोट करें, वाउचीरिया WUCHERERIA, वाउचीरिया है ना, बैनक्रॉफ्टी BANCROFTI, और दूसरी स्पीशीज है वाउचीरिया मलाई MALAYI। डिजीज कौन सी होती है? इसे एलिफेंटियसिस है ना। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है माइक्रोफाइलेरी। जब फीमेल क्यूलेक्स ह्यूमन को बाइट करते हैं तो माइक्रोफाइलेरी उनके सलाइवा के साथ ह्यूमन के ब्लड में जाते हैं, और माइक्रोफाइलेरी है ना ह्यूमन के ब्लड से लिम्फ में ट्रांसफर हो जाते हैं, और लिम्फ में पहुंचने के बाद ये वाउचीरिया में डेवलप कर जाते हैं और लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। लिम्फ वेसल्स के ब्लॉक हो जाने पर इन्फेक्टेड ऑर्गन में लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, और जब लिम्फ बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है तो वो ऑर्गन एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो एलिफेंटेसिस इज कॉज बाय द वाउचीरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। इसका वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स। इसका वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स। देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए वाउचीरिया बैनक्रॉफ्टी से डिजीज कौन सी होती है? एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस, क्योंकि इसमें लैग जो होता है ना वो एलिफेंट की तरह, एलिफेंट के लैग के समान आता है, इसलिए इसको हम एलिफेंटेसिस कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं एलिफेंटेसिस कहते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ऐसे रफ डायग्राम बना दिया है उसको समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, मैंने ऐसे रफ डायग्राम बना दिया। देखिए ये है ह्यूमन का हार्ट, हार्ट से डॉर्सल एओर्टा आती है, और ये डॉर्सल एओर्टा फिर डिवाइड करके लेग बनाती है। देखिए लेग में भी ये पूरे इसमें लेग में सप्लाई करती है ब्लड को, और कैपिलरी में डिवाइड रहती है। देखिए कैपिलरी में डिवाइड हुई इस तरह से,
ठीक है, कैपिलरी वेन की कैपिलरी से जाके अटैच करती है, ये रह चुके हैं, और इस तरह से ये वेन के द्वारा ब्लड वापस लौट जाता है ना, वापस कहाँ जाता है, ये हार्ट में ही जाता है, और ये वहां से वापस हार्ट में ये चला गया। ठीक है, ये मैंने ग्राफ डायग्राम बनाया कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे है, इधर से ये ब्लड आ रहा है, इससे और भी बीच में ब्रांचेस निकलती हैं तो ये है ना ब्लड सप्लाई करते हैं, यहां से कैपिलरी द्वारा वापस ब्लड लौट जाता है, और ये कहां जाता है, लौट के वापस हार्ट में जाता है। ठीक है, ब्लड जब कैपिलरी पहुंचता है यहां फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने पर इसमें से क्या निकलता है ना प्लाज्मा, प्लाज्मा बाहर निकलता है क्या, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, ये जो फिल्टर प्लाज्मा है इसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, लिम्फ वेसल्स, ये हो गए लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स हैं। ठीक है, ये क्या है लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स वापस वेन में जाके जुड़ जाती है। देखिए वाउचिनिया वेनक्राफ्टी इस लिम्फ वेसल्स में यहां पे आके इसको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ, ठीक है, वेसल्स ब्लॉक बाय फाइलेरियल वॉर्म, ब्लॉक बाय फाइलेरियल वॉर्म या वाउचिनिया वेनक्राफ्टी। अब देखिए लिम्फ वापस नहीं जा पा रहा, यहीं पे आके ये रुक गया और इन्फेक्टेड ऑर्गन में लिम्फ कट्टा होना शुरू हो गया, जब लिम्फ कट्टा होता रहता है तो ये ऑर्गन स्वेल कर जाता है ना, स्वेल करता चला जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड ये एक्यूमुलेटेड लिम्फ है। ठीक है, जो लिम्फ में कट्टा हो गया, लेग कैसा हो गया, एलिफेंट लेग की तरह हो गया, इसीलिए हम कहते हैं एलिफेंट थियसिस, डिजीज कौन सी हुई है, एलिफेंट थियसिस। देखिए समझ गया, हम कौन सी पढ़ रहे हैं इस पर, फाइलेरियासिस या एलिफेंट थियसिस, किससे होती है, ये होती है वाउचिनिया बैंक्रॉफ्टी या वाउचिनिया मेलाई से, इसका वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स, इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, माइक्रोफिलेरी, जब फीमेल क्यूलेक्स ह्यूमन को बाइट करता है तो माइक्रोफिलेरी को ब्लड में छोड़ देता है, वो ब्लड से फिल्टर होके कहाँ पहुंच जाते हैं, लिम्फ वेसल से पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद ये वाउचिनिया में डेवलप कर जाते हैं, और वाउचिनिया लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, तो इन्फेक्टेड ऑर्गन में लिम्फ एक्युमुलेट होने लगता है, क्योंकि लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गई तो लिम्फ तो बन रहा है बराबर ब्लड से फिल्टर हो गई, लेकिन लिम्फ वापस जाता नहीं है, तो उस ऑर्गन में लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, और वो इन्फेक्टेड ऑर्गन है ना, ये इन्फेक्टेड जो ऑर्गन है वो काफी एनलार्ज हो जाता है। मोस्टली ये डिजीज, ये मोस्टली सिम्टम्स लेग में दिखाई देता है, और लेग हो जाता है एलिफेंट के लेग की तरह, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटियसिस। वाउचिनिया बैंक्रॉफ्टी लेग को या उन ऑर्गन को ज्यादा इफेक्ट करते हैं जिसमें कि लिम्फ ग्लैंड ज्यादा होती हैं, मतलब लिम्फ वेसल्स रिच ऑर्गन अफेक्टेड बाय द वाउचिनिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि सर्जरी करके उस लिम्फ वेसल्स ब्लॉक को हम ओपन कर देते हैं, या फिर पेशेंट को एंटीबॉडी कंपाउंड की ड्रग्स दी जाती हैं। नेक्स्ट डिजीज है रिंग वॉर्म। देखिए रिंग वॉर्म इस तरह का आपने देखा होगा, ये रिंग वॉर्म हो जाता है, जैसे ये स्किन है, स्किन कैसी हो गई रिंग वॉर्म, फिर से ड्राई हो गई, ठीक ड्राई, इस पे ऐसे रिंग से दिखाई देते हैं हमें, और ये रिंग धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, ये रिंग ऐसे धीरे धीरे हमारे बढ़ जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन होता है, एक तरह का होता है फंगल इन्फेक्शन होता है ये। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा स्किन पर है ना, स्किन ड्राई हो जाती है और वहां की, और उस पर ऐसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और ये रिंग धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, इस आगे रिंग ना कल को थोड़ी सी और बड़ी तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, इस तरह से फैलती जाती है, इसे हम कहते हैं रिंग वॉर्म।
आम भाषा क्या कहते हैं, इसे दाद भी कह देते हैं, दाद हो गया है ना, रिंग वॉर्म। अभी सुनना, डिस्क का नाम क्या है, रिंग वॉर्म। डिस्क का नाम है रिंग वॉर्म, ठीक है। देखिए रिंग वॉर्म की, रिंग वॉर्म इज कॉज बाय है ना, ये कौन सा है, फंगल डिजीज है। तो जेनेरा माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम से रिंग वॉर्म डिजीज होती है, ट्राइकोफाइटॉन से होती है और एपिडर्मोफाइटॉन से होती है, ठीक है। रिंग वॉर्म डिजीज कॉज बाय द, है ना, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। इसमें स्किन कैसे रहती है, ड्राई रहती है, स्केली रहती है, लेजन्स रहती है, ठीक है। ये कैसा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन नेल्स में भी हो जाता है, नेल्स में, है ना, और स्किन पर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने जो डिजीज स्टडी करी है वो करी है, एक तो मलेरिया, दूसरा फाइलेरियासिस और तीसरा हमने रिंग वॉर्म, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज है और सेकेंडरी प्राइमरी होस्ट है ना इसका ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। देखिए हमने कौन पढ़ा था पहले, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलीज, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज। मलेरिया की ट्रीटमेंट की दवा कौन सी है, है कुनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना प्लांट। दूसरा हमने पढ़ा था एस्केरियसिस, है ना, एस्केरियसिस, ठीक है। एस्केरियसिस, एस्केरियसिस रूमेटोइडस होता है। एस्केरियसिस के ट्रीटमेंट में हम चीनोपोडियम ऑयल भी देते हैं, चीनोपोडियम ऑयल। तीसरा हमने पढ़ा था फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस कॉज बाय द वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वाउचेरिया मलाई, जिसका वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स, ओके। फिर हमने बात पढ़ी थी रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म फंगल डिजीज है और ये होती है एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम फंजाई से, ठीक है। हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।